स्वराज 75 आजादी का अमृत महोत्सव के निमित्त संपूर्ण देश में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार लगाने का लक्ष्य लिया है। उसी को पूर्ण करने के लिए प्रतापगढ़ जिले में भी एक समिति का गठन हुआ है। समिति के संरक्षक बादल बारोलिया ने बताया कि दिनांक 31 जनवरी 2022 से 7 फरवरी 2022 तक प्रतापगढ़ जिले में भी लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार लगाकर देश की स्वतंत्रता में शहीद हुए असंख्यक क्रांतिकारियों को सूर्य नमस्कार की आहुति दी जाएगी। बारोलिया ने समस्त जिले के लोगों से अपील की कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी आम जन इस आहुति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवे। वे अपने घर, ऑफिस या अन्य कहीं भी सूर्य नमस्कार लगा सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और एक स्वस्थ या मजबूत व्यक्ति से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः सभी आमजन इस संकल्प को लेवे और सूर्य नमस्कार लगावे। क्योंकि हम सभी को ज्ञात है, संपूर्ण देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ चल रही है, उसी के निमित्त स्वराज 75 इस नाम से अलग अलग कार्यक्रम संपूर्ण देश में आयोजित हो रहे हैं। इसी के तत्वाधान में संपूर्ण भारत में एक कार्यक्रम तय हुआ है, जिसमें 75 करोड़ सूर्य नमस्कार लगाने का। उसी के निमित्त हमारे प्रतापगढ़ जिले में भी एक समिति का गठन हुआ है। उस समिति के तत्वाधान में हम पूरे प्रतापगढ़ जिले में सभी सूर्य नमस्कार लगवाएंगे और लगभग 75,000 लोगों से यह सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हम करवाएंगे। इसका ध्येय यही है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में कई असंख्य लोगों ने जो अपना बलिदान दिया था, उनका बलिदान व्यर्थ ना हो और हम सूर्य नमस्कार लगाकर उनको हर सूर्य नमस्कार की आहुति दे, यही इसका ध्येय है। तो मैं प्रतापगढ़ जिले की आम नागरिक से भी यह अपील करता हूँ कि वे भी अधिक से अधिक मात्रा में सूर्य नमस्कार लगाएं, क्योंकि यह सूर्य नमस्कार संकल्प सप्ताह 31 जनवरी 2022 से 7 फरवरी 2022 के मध्य तक रहेगा। तो इन 7 दिनों में हम सभी अधिक से अधिक सूर्य नमस्कार लगाएं और अधिक से अधिक हमारे साथियों को भी सूर्य नमस्कार लगाने के लिए प्रेरित करें और इसका जो व्रत है वो हम लोग विविध संगठनों के माध्यम से या सूर्य नमस्कार समिति के माध्यम को भी सौंप सकते हैं और इसी के माध्यम से हम क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।